हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एलडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों दोस्तों की दोस्त हमारे कहते हैं कि सर बायोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो अब बायोलॉजी की प्रॉब्लम को हम देखते हुए अब बायोलॉजी का ही बना रहे हैं वीडियो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, ये किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विषाणु होते हैं दोस्तों। तो विषाणु होते हैं दोस्तों, तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए विषाणु क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों विषाणु होते हैं पूर्ण परजीवी। क्या होते हैं दोस्तों? पूर्ण परजीवी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विषाणु होते हैं पूर्ण परजीवी होते हैं दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था दोस्तों? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था दोस्तों? तो हुआ था एनएरोबिक। कौन सा दोस्तों? एनएरोबिक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? एनएरोबिक। दोस्तों दोस्तों हम आपसे कई बार कह चुके हैं, अगर किसी क्वेश्चन में पहला, लास्ट, आखिरी या छोटा बड़ा इस टाइप का लग जाए तो वो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसे पूछा सबसे पहले दोस्तों, पहले लग जाने की वजह से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था दोस्तों, किसने लिखा था दोस्तों? तो ओपेरिन ने। ओपेरिन ने कौन दोस्तों? ओपेरिन ने लिखा था। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था दोस्तों? ओपेरिन ने लिखा था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो विषाणु के प्रथम बोले या विषाणु के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो इवानोवस्की। कौन दोस्तों? इवानोवस्की, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों जो विषाणु के खोज करता है वो इवानोवस्की। और जीवाणु के खोज करता कौन है दोस्तों? तो जीवाणु के हैं लीवेनहॉक। कौन दोस्तों? जीवाणु के हैं लीवेनहॉक और विषाणु के हैं इवानोवस्की। दोस्तों विषाणु के इवानोवस्की और जीवाणु के लीवेनहॉक। चलिए अगला देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज में होता है दोस्तों क्या होता है? जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों, क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है दोस्तों? डीएनए होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों बैक्टीरियोफेज में होता है दोस्तों डीएनए होता है। क्या होता है दोस्तों? डीएनए होता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों, वायरस में होता है दोस्तों। वायरस में क्या होता है दोस्तों? डीएनए होता है, आरएनए होता है, डीएनए या आरएनए होता है, डीएनए व आरएनए होता है दोस्तों। तो क्या क्या होता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, क्या होता है वायरस में होता है दोस्तों? तो वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा दोस्तों। अगर दोस्तों यही कह देता जंतु वायरस में, अगर इस वायरस का पहले जंतु लग जाता दोस्तों, जंतु वायरस में, तब ये हमारा डीएनए हो जाता। तो कौन सा हो जाता? डीएनए हो जाता दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत माइनर है दोस्तों। अगर वायरस है तो डीएनए या आरएनए, और अगर वायरस के पहले जंतु लग गया तो जंतु वायरस में तो केवल डीएनए होगा दोस्तों। एड्स का कारण है दोस्तों, जो एड्स का कारण क्या है दोस्तों? दोस्तों पहली बात तो आप एड्स का फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों, AIDS का फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों। ये एड्स का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। और एड्स का कारण है दोस्तों STLV3 दोस्तों। क्या है? STLV3 दोस्तों। तो एड्स का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को किसने लिखा था दोस्तों? तो ये लिखा था डार्विन ने। किसने दोस्तों? डार्विन ने लिखा था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों, डार्विन ने लिखा था दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों। वायरस होते हैं दोस्तों, वायरस क्या होते हैं दोस्तों? वायरस होते हैं दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों वायरस क्या होते हैं दोस्तों। तो वायरस होते हैं स्वतंत्र जीन। क्या होते हैं? स्वतंत्र जीन दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वायरस होते हैं स्वतंत्र जीन होते हैं दोस्तों। वायरस रोग है दोस्तों, इसके पहले था वायरस है दोस्तों, अब है वायरस रोग। कौन सा दोस्तों? तो वायरस रोग कौन सा है दोस्तों? जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, वायरस रोग क्या है दोस्तों? बहुत अच्छे दोस्तों, वायरस क्या होता है जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। तो वायरस होते हैं हमारे इन्फ्लुएंजा। क्या होते हैं दोस्तों? इन्फ्लुएंजा, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। वायरस रोग है दोस्तों इन्फ्लुएंजा दोस्तों। दोस्तों हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं, ये किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, शेयर करना ना भूले दोस्तों। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी दोस्तों? तो बताइए जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी
प्री कैम्ब्रियन में हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई थी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स कीजिए दोस्तों, कमेंट में बताइए दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है दोस्तों, तो होता है दोस्तों एमाइलोप्सिन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एमाइलोप्सिन द्वारा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है दोस्तों एमाइलोप्सिन द्वारा दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है दोस्तों। पहली बात तो विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो विटामिन की खोज की थी दोस्तों फंक ने। किसने दोस्तों? फंक ने। और बात आती है कि विटामिन ए का, तो विटामिन ए की खोज किसने की थी दोस्तों? तो की थी मैकुलर ने। किसने दोस्तों? विटामिन ए की खोज मैकुलर ने। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है दोस्तों गाजर। क्या है दोस्तों? गाजर दोस्तों। दोस्तों हम चार क्वेश्चन इसे याद करेंगे। पहली बात तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, विटामिन ए की खोज मैकुलर ने दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल दोस्तों, और विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है दोस्तों गाजर। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रतौधी रोग होता है दोस्तों। दोस्तों पांच क्वेश्चन इससे हम याद करेंगे दोस्तों। तो विटामिन ए की कमी से रतौधी होता है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है दोस्तों गाजर। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों, विटामिन सी है दोस्तों। विटामिन सी हमारा एस्कर्बिक एसिड है। क्या है दोस्तों? एस्कर्बिक एसिड है दोस्तों। दोस्तों अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में, विटामिन सी की खोजकर्ता कौन है, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, विटामिन सी की खोज किसने की थी और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग दोस्तों कौन सा है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो हम विटामिन सी का बता देते हैं, विटामिन सी की जो रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है दोस्तों। क्या है दोस्तों? विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड कहते हैं, इसका रासायनिक नाम ही यही है। स्कर्वी रोग होता है कौन सा दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से। अगला देख लेते हैं दोस्तों, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है दोस्तों? दोस्तों ये कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भूखा होता है तो वो सबसे पहले किसका उपयोग करता है दोस्तों? वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का या ग्लाइकोजन का? तो किसका करता है दोस्तों? तो ये करता है ग्लाइकोजन का। किसका दोस्तों? ग्लाइकोजन का, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं दोस्तों, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है दोस्तों? तो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? तो B12 में दोस्तों। क्या होता है? B12 में दोस्तों, B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है दोस्तों। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होता है दोस्तों। जलीय अपघटन मतलब हाइड्रोलिसिस में ऊर्जा मुक्त होता है दोस्तों। तो ऊर्जा किसके रूप में मुक्त होता है दोस्तों? तो ये होता है उष्मा के रूप में। किसमें दोस्तों? उष्मा के रूप में दोस्तों, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होता है उष्मा के रूप में दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों? तो किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं दोस्तों? तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर दोस्तों? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम सक्रिय होते हैं दोस्तों। अगला देख लेते हैं, कोशा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोशा मतलब दोस्तों सेल। कोशा मतलब क्या हो जाएगा? सेल दोस्तों। कोशा मतलब हो जाएगा सेल दोस्तों। क्या हो जाएगा? सेल दोस्तों। तो सेल में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है दोस्तों, तो राइबोसोम है दोस्तों। क्या है? राइबोसोम दोस्तों। क्या है दोस्तों? राइबोसोम। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रोटीन की यूनिट क्या है दोस्तों? तो जो प्रोटीन की यूनिट क्या होती है दोस्तों? जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए। प्रोटीन की इकाई क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड। कौन सा दोस्तों? अमीनो एसिड, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। प्रोटीन की यूनिट है अमीनो एसिड दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ग्लूकोज के जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होता है दोस्तों। ATP अणु उत्पन्न होता है दोस्तों, तो ATP के कितने अणु उत्पन्न होते हैं दोस्तों? जल्दी बताइए दोस्तों, 38 अणु हो जाएगा दोस्तों। ATP का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए ATP का फुल फॉर्म दोस्तों। हम नहीं बताएंगे दोस्तों, आप बताइए ATP का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों, अगर नहीं जाएगा तो हम फिर बताएंगे दोस्तों। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो उत्पन्न होता है दोस्तों। जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो उत्पन्न होता है दोस्तों। दोस्तों हम सबको पता है कि अगर कोई चीज़ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा व्यक्त होती है दोस्तों। क्या व्यक्त होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मतलब ऊर्जा ही इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। जब ATP का परिवर्तन ADP में होता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है दोस्तों? तो हमारा जो प्रतिजैविक औषधि होता है
ये अधिकतर किस में मिलती है दोस्तों, तो ये जीवाणु में मिलती है। किस में दोस्तों? जीवाणु में मिलती है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, जंतु वायरस में अनुवांशिकी पदार्थ अधिकांशतः होते हैं दोस्तों। हमने बताया था दोस्तों वायरस में तो डीएनए या आरएनए होता है दोस्तों। अगर केवल वायरस कहेगा तो डीएनए या आरएनए, लेकिन जंतु वायरस लगने की वजह से ये केवल डीएनए हो जाएगा, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अभी पीछे हमने इसके बारे में डीपली डिस्कस किया था दोस्तों। अगला देख लेते हैं, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है दोस्तों। तो जेनेटिक पदार्थ क्या है दोस्तों? आरएनए। क्या है दोस्तों? आरएनए है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है आरएनए है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला देख लेते हैं, कौन सा फल नट है दोस्तों? तो कौन सा फल नट है दोस्तों? तो ये हमारा है काजू। कौन सा दोस्तों? काजू जो है हमारा ये फल है दोस्तों, ये फल नट है दोस्तों। तो ये नट फल है दोस्तों हमारा काजू, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या है दोस्तों? काजू। चलिए अगला देख लेते हैं, सुपारी का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? तो सुपारी का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? तो ये हमारा भ्रूणपोष है। क्या है दोस्तों? भ्रूणपोष है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष। सुपारी का खाने योग्य भाग हमारा भ्रूणपोष है दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है हमारा गिटोनोगैमी। क्या? गिटोनोगैमी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर तो जरूर दोस्तों जरूर कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।